मानपुर पश्चिम स्थित शिव मंदिर में हो रहे महाशिव पुराण कथा के आठवें दिन शंकर भगवान व महाराजा हिमालय पुत्री पार्वती माता का विवाह धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। कुमाऊनी परिधान से सुशोभित महिलाएं भोलेनाथ की शादी में खूब नाचती नजर आईं। भगवान भोलेनाथ की शादी में नंदी महाराज भी खूब नाचे, साथ में देवी देवता और भूत पिशाच खूब नाचे। कुमाऊनी रीति रिवाज में घराती और बराती खूब जमकर नाचे। महाशिव पुराण कथा में मुख्य यजमान राजेंद्र सिंह नेगी, संरक्षक कुशाल सिंह रेगी तथा कथावाचक भैरव दत्त गुरु रानी के साथ सभी मानपुर पश्चिम के लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। कथावाचक गुरु रानी ने इन धार्मिक आयोजनों से वायुमंडल एवं धर्म संस्कृति एवं सुख समृद्धि में वृद्धि होने की बात कही। व्यास गद्दी में व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो इस पावन कार्तिक के मास में महाशिवपुराण का मानपुर पश्चिम में आयोजन किया जा रहा है और उत्तराखंड देवी देवी 33 कोटि देवी देवताओं की भूमि रही है और पहाड़ी नहीं मतलब यहाँ पहाड़ से बसे हुए जो लोग भी यहाँ आते हैं तो वह आस्था है, तो विशेष इस कार्तिक मास के जो यहाँ पर शिव महापुराण हो रहा है इसका क्या महत्व है और आम जनमानस को इसका क्या फल मिलता है? देखिए सप्ताह लीजिए ना कमल को मिलते, ऐसा कहा गया है कि कलकाल में ये की भागवत इत्यादि इसको करने से जो है मनुष्य के समस्त पापों का समूह का नाश होता है। सत्संग है, यहाँ सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, शिव पुराण ज्ञान यज्ञ है, तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य का जन्म सफल होता है और अपने अच्छे कार्य के सत कार्य के लिए लोग प्रेरित होते हैं। ये कितने दिन का आयोजन है पुराण का? 11 दिन का। आज कितने दिन हो गए पुराण को? आज 6 दिन हो गए। धन्यवाद महाराज।